हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल पूजन सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम के जो बाकी स्टेप्स होते हैं, जो हमने प्रीवियसली जो नॉर्मली स्क्वायर कॉलम का डिज़ाइन पढ़ा है वैसे ही होते हैं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस इसमें होते हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हमारा केस वन क्या बोलता है, इफ़ सेपरेट लेटरल टाइज आर प्रोवाइडेड, इट मीन्स अगर हम सर्कुलर कॉलम जहाँ पे यूज़ करें और जो हम स्टीरअप्स या टाइज प्रोवाइड करें, अगर वो सेपरेट सेपरेट, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दो सर्कल हैं, दो सर्कल के अंदर में जो छोटे छोटे सर्कल हैं उसको हमने बार से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट और इसका फ्रंट व्यू अगर आप देखोगे तो ये जो एस बी आपको दिख रहा है, मतलब दो स्टीरअप्स के बीच में एक प्रॉपर गेपिंग हमने दी है, इसको स्पेसिंग बोलते हैं। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है और हमको लोड अगर निकालना है तो लोड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू सी आर इंटू ए सी इंटू सिग्मा सी सी प्लस ए एस सी इंटू सिग्मा एस सी, जो कि सिमिलर है प्रीवियस में। ये सेम फॉर्मूला हम लोग लॉन्ग कॉलम के लिए जब डिज़ाइन करते हैं तब ये हम यूज़ करते हैं। वैसे ही डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम का जो हमारा सेकेंड केस है, सेकेंड केस क्या कहता है, इफ़ द हेलिकल रेनफोर्समेंट इज़ यूज फॉर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, मतलब हम लोग सेपरेट सेपरेट टाइज ना दे करके सिमिलरली एक रिंग बनाते चलें। उसके लिए अगर हमारा शॉर्ट कॉलम है तो शॉर्ट कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 1.05। ये 1.05 क्या है, जब भी हेलिक्स या हेलिकल रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं तो जब हमारा स्टील है उसको हम 5% इंक्रीज कर देते हैं, तो ये 1.05 उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और शॉर्ट कॉलम के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा और लॉन्ग कॉलम के लिए पी इज इक्वल्स टू 1.05 इंटू सी आर, रिडक्शन कोफिशेंट हम ऐड करेंगे, इंटू सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी। बाकी के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे हमारे प्रीवियसली स्टेप्स के समान ही रहेंगे, सारी चीज़ें वही स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। बस हमारा केस टू में क्या करना है, जब हेलिक्स रेनफोर्समेंट रहेगा तो हमारे स्टील को 5% इंक्रीज कर देना है।